जिसमें ला रखमान रही तो वी आर डूइंग एडवास रिस्क मैनेजमेंट आज हम एक बहुत नया टॉपिक करेंगे विच इज़ वेरी इमर्जिंग और फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इवन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल रिस्पेक्ट तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है टू लर्न इट एंड ग्रास्प इट सो वी कैन स्पीक इट आउट एट एनी फॉरम दैट इज़ रेफर टू एज वैल्यू एट रिस्क तो हम बोलने में जाएंगे तो इट्स वी ए आर एंड पीपल पेन ऑल्सो कॉल इट वार वे वॉर की तरफ से दो तीन नामों से आप बोला जाता है ये लेकिन मेन चीज़ इसकी लर्निंग है और उसकी यूटिलिटी है जो कि हमने सीखनी है वैल्यू एड रिस्क और समार हैज़ बीन कॉल्ड द न्यू साइंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ये बेसिकली बहुत ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है इट स्टार्टेड इन डेवलपमेंट इन 1990 उसके बाद इसमें फॉर्मली वर्किंग हुई एंड देन इट बिकम्स वन ऑफ द पाइन रिस्क माइयर्स टू बी यूज्ड एंड इट्स नॉट बट वी डोंट हैव टू बी साइंटिस्ट टू लर्न द वायर वैसे तो ये साइंस कहला रहा है बट हमें साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है इफ़ वी लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट वी लर्न द कोर स्किल्स वी कैन मास्टर इट ईजीली सपोज इसको हम थोड़ा सा पहले एक इलिस्ट्रेशन की बात करते हैं देन वी कैन टॉक इट इन रियल टर्म्स के टेक्निकली टर्म्स क्या हैं सपोज इन्वेस्टमेंट फंड इंडिकेट दैट बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो ऑन करंट मार्केट कंडीशन द इज नाइंटी परसेंट प्रॉबेबिलिटी इट विल आइदर मेक अ प्रॉफिट और अदरवाइज नॉट लूज मोर देन 2.3 मिलियन ओवर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे लेट मी टेल अगेन कि क्या चांस है कि 90 परसेंट जो तो चांस है कि हम ऊपर जाएंगे और दूसरा तरफ क्या चांस है कि मैक्सिमम जो है हम 2.3 मिलियन लूज़ करेंगे इन अ वन डे अब ये हमने एक अमाउंट एट्रीब्यूट कर दी फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल हमारा ये दो मिलियन का पोर्टफोलियो था तो हमने कह दिया जी कि वो 2.3 मिलियन मैक्सिमम लूज़ कर सकता है दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द वायर कि आपको एक एबसोल्यूट अमाउंट कैलकुलेट करके दे सकता है ये आपको परसेंटेज टर्म में भी बता सकता है एज़ वेल एज इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट तो ये ये बता रहा है कि इतनी अमाउंट हम मैक्सिमम यूज लूज़ कर सकते हैं और वो हम एक सर्टन कॉन्फिडेंस के बाद साथ बात करें मे बी वी आर नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंट मे बी वी आर नाइन्टी नाइन वो एक सेपरेट कैलकुलेशन के थ्रू गेज करेंगे बट मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा ये दिस इज द मैक्सिमम इन द मेजर स्पेक्ट्रम दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वायर मेयर द मेट्रिक द वैल्यू एट रिस्क हॉराइजन इज वन ट्रेडिंग डे इसमें भी हमने वहां पर भी, भी आपने देखा हमने कहा था कि वन ट्रेडिंग डे की बात हो रही है तो हराइजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसकी बात करें इट कुड बी वेरीड होराइजन लेकिन आपको पहले रिलेट करना होगा बताना होगा कि हम किस होराइजन की बात करें मे बी अ डे मे बी अ वीक मे बी अ ईयर इवन द पोर्टफोलियो वैल्यू एड्रीज एक्सप्रेस एज पॉइंट नाइन ऑफ कॉन्टाइल ऑफ लॉस बेसिकली एज अ परसेंटेज मैंने जैसे बात की है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना परसेंट है नाइन्टी है नाइन्टी फाइव परसेंट है वो एक हमारी डिबेट है और कैलकुलेशन का थीम है बट विथ दैट परसेंटेज वी कैन से वी आर नाइन्टी परसेंट श्योर के टू पॉइंट थ्री मिलियन से ज़्यादा ये नहीं होगा सिमिलरली वी हैव टू टेल द बेस करेंसी कि ये किस करेंसी है यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल बात करें तो वी हैव टू से कि ये यू एस डॉलर की बात हो रही है बिकॉज करेंसी रिस्क को हम यहाँ पे अभी कैप्चर में नहीं कर रहे द आइडिया बिहाइंड वार द मोस्ट पॉपुलर एंड ट्रेडिशनल मे कांड ऑफ रिस्क इज़ वॉलेटिलिटी जो हमने पहले बात की थी वॉलीटिलिटी है मूवमेंट है तो वार भी उसी पे ही बेस कर रहा है कि वॉलीटिलिटी को कैप्चर करके बट ये ट्रांसलेट कर रहा है जैसे हम टेक्निकली किसी को कह रहे हैं जी पोर्टफोलियो आप किसी का मैनेज कर रहे हैं आप उसको कहें जी भाई आपके पोर्टफोलियो की स्टैंड एविएशन है इतनी वो कहेगा जी क्या ये मुझे बात समझ नहीं आई लेकिन अगर आप किस कहें कि जी आप जो माम आपका जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं वो मैक्सिमम जो है वो टू मिलियन लूज़ कर सकता है और नाइन्टी परसेंट चांस है कि ये ऊपर जाएगा तो वो एक समझना अंडरस्टैंडिंग वाइड है ईजी है वॉलीटिलिटी की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं इट कैन गो अप डाउन वो एक सेपरेट है बट दैट हैज स्टिल टू बी टेकन केयर तो हमने उसी को बेस करके इसको क्रिएट किया है सो वॉलेटिलिटी इज नॉट जस्ट गोइंग डाउन वॉलेटिलिटी इज बींग एंड डाउन बट हमारा मेन कंसर्न अप से तो वी आर नॉट वरीड सो वी आर मेन कंसर्न विद द डाउन साइड रिस्क के नीचे कितना है तो वायर उसको बड़ा अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है बिकॉज Uh, even सम स्टॉक that गो हाई वेरी क्विकली वो भी हमारे लिए volatility पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छे नहीं हैं तो हमें देखना है कि downside risk रिस्क बेहतर तरीके से कहाँ पर हमारा कैप्चर हो रहा है तो विद दिस इज द मेन आइडिया मेन कॉन्टेक्ट जिसको हमने लेके देखना है तो वायर स्ट्रेटिस्टिक्स है थ्री कॉम्पोनेट्स एज यू हैव सेन इन द एग्जाम्पल हम उसको स्पेसिफिकली इसलिए बता रहे हैं कि कॉम्पोनेंट्स पूरे होंगे तो इसका लॉजिक कंप्लीट बनेगा एक टाइम पीरियड डिफाइंड हो कि किस टाइम पीरियड की हम बात करें सेकंड कॉन्फिडेंस लेवल कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन द मेथड वी यूज बट जैसे 90 परसेंट नाइन्टी फाइव एंड लास्टली द लॉस अमाउंट ये अमाउंट में भी हो सकता है और परसेंटेज फॉर्म में भी हो सकता है कि वट परसेंटेज यू कैन लूज आउट आपको मैं कहूँ सौ मिलियन का पोर्टफोलियो है और आप वन वन लूज़ कर सकते हैं तो यू कैन ईजीली कैलकुलेट कि मेरी मैक्सिमम अमाउंट कितनी है तो अमाउंट से परसेंटेज और परसेंटेज अमाउंट करना दैट्स नॉट अ टास्क फॉर अस तो वी शुड बी वी कैन गेट वायर वैल्यू इन अमाउंट एज वेल एज इन परसेंटेज तो वैल्यू एड्रिस मैय कैलकुलेट एन अमाउंट ऑफ मनी मैय इन दैट करेंसी वो पर्टिकुलर करेंसी की बात हो रही है कि इस जिस करेंसी में पोर्टफोलियो मैनेज हो रहा है उसी में लॉस की बात हो रही है जो करेंसी रिस्क है दैट्स डेवल्ट सेपरेटली उस पर हमने आपके साथ काफ़ी डिबेट भी की हमने उस पर लर्निंग भी की है तो दैट्स आर द सेपरेट पार्ट तो वार उसको नहीं कैप्चर कर रहा वी आर कैप्चरिंग द सेम करेंसी रिस्क फैक्टर एंड देन द प्रोबिलिटी ऑफ अमाउंट विच वी कैन लूज ओवर द स्पेसिफाइड टाइम होराइजन सो दिस इज अबाउट कि ये हमारी तीन स्पेसिफिक टर्म्स को लेके इट गिव यू अ मीनिंगफुल आउटकम इन द टर्मोनोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स इट इज़ कॉल्ड कॉन्टाइल सो वन डे नाइन्टी परसेंट यू एस डॉलर वायर इज़ जस्ट द नाइन्टी परसेंट कॉन्टाइल ऑफ अ पोर्टफोलियोज वन डे लॉस इन यू एस डॉलर तो स्टेटिस्टिकल टर्म्स भी हमें थोड़ी सी अपने फेमिलियर करनी है हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे पर मेन पॉइंट हमें जो समझने वाला है कि हम एक दिन में कितने यू एस डॉलर अपने पोर्टफोलियो से लूज कर सकते हैं विद अ सर्टन परसेंटेज तो ये इस पर हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है सो मेक श्योर वी get to it in a best possible way thank you